कल्चरल साइकोलॉजी टूडे वी गोइंग टू टॉक अबाउट ह्यूमन कॉन्शियसनेस ह्यूमन कॉन्शियसनेस क्या होती है हमारी एक हालत होती है आगाही की अस्टेट ऑफ अवेयरनेस चाहे वो हमारे अपने बारे में हो या हमारे इर्द गिर्द का जो माहौल है और उसमें जो कुछ हो रहा है उसके बारे में हो तो ये आगाही हर लमह चलती रहती है अंदर से भी खबरें और महसूसत और न्यूज़ के क्या हो रहा है बॉडी में वो आते रहते हैं दिमाग में क्या चल रहा है वो भी पहुंच रहा होता है और बाहर की साथ साथ जो स्टिमुलेशन है स्टिमूलाएँ है आवाज़ें हैं तस्वीरें हैं खुशबुएँ हैं वो भी हम तक पहुंचती हैं तो एक तो ये कॉन्शसनेस है हम जब भी कॉन्शसनेस की बात करते हैं हम आमतौर तो पर जागती हुई हालत की बात करते हैं या अलर्ट स्टेट की बात करते हैं जब हम पूरी तरह कॉन्शियस हैं जाग रहे हैं और अटेंटिव हैं अलर्ट हैं और होशियार हैं तो असल मनों में अलर्ट का मतलब होशियार ही होता है लेकिन कॉन्शियसनेस की और भी सतहें या और लेयर्स और लेवल्स होते हैं अलर्ट स्टेट्स और वेकिंग स्टेट के अलावा हमारी एक ऑल्टर्ड स्टेट्स भी होती हैं यानी एक शूर की एक तब्दीली की हालत जिसमें नींद है जिसमें ख़्वाब की हालत है जिसमें जब हम नींद से सो के उठते हैं तो ना हम पूरी तरह अलर्ट स्टेट में होते हैं और ना ही हम स्लीपिंग स्टेट में होते हैं तो वो दरमियान की एक जगह है आल्ट जो स्टेट्स हैं ये और वजूहत से भी होती हैं मसलन कोई ऐसी दवाई या नशा या कोई चीज़ जो दिमाग पर असरानंदाज हो तो तब भी एक और हालत में होते हैं इर्द गर्द की पता नहीं चलता या अपने अंदर की किसी चीज़ का पता नहीं चलता इनस्तीजिया में मसलन अगर पूरे बेहोश ना हो और जब उनतीजिया से निकल रहे हो तो कभी कभी इर्गिरद का अंदाज़ा नहीं होता तो ये जो आगाही अवेयरनेस और कॉन्शसनेस है ये किस तरह होती है इसके कुछ सब सिस्टम्स हैं एक तो है एक्सट्रोसेप्शन एक्सट्रोसेप्शन जो है वो ये होती है कि जो हमारी फाइव सेंसेस हैं एक्सटर्नल जो हमें न्यूज़ देती हैं जिसमें आंखें हैं कान हैं नोज़ है आपकी ये तो वो है जो आ रही होती हैं टच तब होता है जब वो आप किसी चीज़ को बकायदा टच करें तो फिर आपकी स्किन आपको खबर देती है कि आपने किस चीज़ को हाथ लगाए और टेस्ट जब आप जबान पे कोई चीज़ रखें आवाज़ सुने सूँगें कोई मंजर देखें तो ये तो है रिसेप्टर्स जो हमारे आँख का नाक वगैरह है स्किन है ये सब रिसेप्टर्स हैं इनके ज़रिए एक्सट्रोसेप्शन होती है यानी बाहर से आने वाली सेंस या परसेप्शन तो एक कॉन्शियसनेस वो होती है दूसरा है इंटरसेप्शन इंटरनल सेंसेस जैसे बॉडी का बैलेंस है आपको पता चलता है आप गिरने लगे हैं आप सीधे हो जाते हैं आप चल रहे होते हैं आप एक लाइन में चलते हैं तो ये एक इनर सेंस है इनपुट प्रोसेसिंग जो कुछ आ रहा है ये है क्या ये आवाज़ है ये किस जबान में है ये ऊंची है नीची है इस चीज़ का रंग क्या है जो मेरी तरफ आ रही है जिसको टच किया है वो क्या है वो कपड़ा है या पत्थर है तो ये इनपुट प्रोसेसिंग जो आपको स्टिमुलाई मिल रहे हैं उसकी हम इंटरप्रटेशन करते हैं जो हमारे सेंसेस के जरिए आ रहा होता है फिर मेमोरी है यानी जो कुछ दिमाग में स्टोर हुआ हुआ है पिछले वाक़ात उनकी भी अवेयरनेस जो है वो हम बार बार बुलाते रहते हैं उसको कल था या वो पच्चीस साल पहले था या वो हिस्ट्री में कोई चीज़ थी वो पढ़ी हुई कोई चीज़ थी या वो साइकिल चलाना सीखा था तो वो सब जो है वो हमारी मेमोरी में स्टोर्ड है तो वो भी कॉन्शियसनेस में हम वापस लाते हैं और स्टोरेज में से उसको इस्तेमाल करने के लिए फिर अवेयरनेस यानी हमें ये हमारी ये एबिलिटी कि हमारे इर्द गिर्द क्या हो रहा है टू नो वॉट इज़ हैपनिंग फिर है सेंस ऑफ आइडेंटिटी मैं कौन हूँ वो हमारी कॉन्शियसनेस में हर वक्त रहती है इसको सेल्फ़ कॉन्शियसनेस या सेल्फ अवेयरनेस भी कहते हैं इमोशंस यानी खौफ है एक्साइटमेंट है उदासी है डिसगस्ट हैरानी है डिस्गस्ट यानी जब किसी चीज़ से हमें घृणा आती है तो ये जो इमोशंस की अवेयरनेस है ये भी एक किस्म की अवेयरनेस है हम कॉन्शस होते हैं कि इस वक्त हम कौन सा जज्बा महसूस कर रहे हैं जैसे हम चिड़े होते हैं या हमारी बॉडी हमें बता रही होती है कि हम थके हुए हैं तो इमोशंस जो हैं वो चिड़े हुए होते हैं तो हम कहते हैं क्योंकि बॉडी के अंदर से इनर सेंस कह रही है कि आप थके हुए हो इमोशन जो है वो किस चीज़ का है चिड़चिड़ेपन का स्पेस और टाइम की जो सेंस है कि अभी इस वक्त चीज़ हो रही है या कल हुई थी इस वक्त यहाँ पे जहां हम खड़े हैं वहां पे हो रही है फिर कॉन्शियसनेस इवेलेशन भी होती है यानी जो परसेप्चुअल इंफॉर्मेशन आ रही है उसके बारे में फैसला क्या करना है किस चीज़ को अटेंड करना है किसको नहीं करना आवाज़ आई है तो दौड़ के जाना है देखने के लिए सब कॉन्शियस प्रोसेस भी होते हैं वो इनविजिबल एक्शंस जो हम नज़र नहीं आ रहे होते जैसे अंदर ही आप अपने स्टमक को टाइट कर लें या कभी आप अपना थोड़ा सा हिलजुल के बैलेंस ठीक करें वो चीज़ें जो अंदर से हो रही होती हैं इनविजिबल एक्शंस उनको भी हम वो भी सब कॉन्शियस प्रोसेस होते हैं आप कॉन्शियसली नहीं कर रहे होते लेकिन उसकी अवेयरनेस आपको आ रही होती है हाजमे का प्रोसेस है पेन का है आराम का है वगैरह वगैरह मोटर इनपुट जो बॉडीली रिस्पॉन्स होती हैं एनवायरनमेंट की तरफ चलना फिरना बैलेंस रखना टीस को टच करना आती हुई गाड़ी के रस्ते से हट जाना तो मोटर आउटपुट जो हम आउटपुट कर रहे हैं यानी जो हम कर रहे हैं एनवायरनमेंट के साथ कॉन्शसनेस जो है टेंड्स टू बी स्टेबलाइज्ड जिसका मतलब ये है कि हम बहुत सी वैरायटी ऑफ एनवायरमेंटल स्टिमूलाए और इवेंट्स और जनरल सेंस ऑफ सेल्फ को फील करते हैं एक्सपीरियंस करते हैं हम इस वक्त किस तरह के हैं आर वे ऑफ बीइंग, व्हाट आर वी एट दिस मोमेंट ये सब कुछ मिल जुल के ना यकजा हो जाता है तो एक सेंस ऑफ इंटेग्रिटी एंड कंसिस्टेंसी जो मैं आज हूँ मैं कल भी वही हूँ मैं दस साल पहले भी वही थी ये सेंस ऑफ सेल्फ है तो ये सारी बाहर की अंदर की एनवायरनमेंट की ये सब मिलके कॉन्शियसनेस एक स्टेबलाइज्ड एक्सपीरियंस है